hello students in this video we are going to study the basics of english grammar after studying some of the parts of speech now we are going to start the sentence sentence is the very base of a language and the grammatical po portion that starts with the structure of a sentence up to now we have read some of the parts of speech like noun pronoun adjective etc etc and here we are with sentence students what is a sentence sentence ki agar baat ki jaye to ek bada jo normal answer hai response hai wo aata hai that sentence is a group of words yes वाक्य जो है वो क्या है that is a group of words mean शब्दों का जो समूह है that becomes a sentence but Every group of words that is not a sentence, a sentence must have a meaning. A group of words that has a meaning, that is a sentence. Like, students, I have written four words Ravi, chair, pen, and book. This is a group of words, and I have also mentioned a full stop. But is this a sentence? No. Because हर वर्ड जो है दैट इज़ गिविंग अ मीनिंग सेपरेट मीनिंग बट आई कंबाइन ऑल दोज वर्ड्स इट डजन गिव एनी डेफिनेट मीनिंग कोई इसका मीनिंग नहीं बनता रवि जी अ पेन है बुक का तो दैट इज़ नोट ए सेंटेंस बट अगेन आई हैव रिटर्न रवि बॉट अ पेन रवि जो है उसने एक पेन खरीदा रवि बॉट अ पेन अगेन वी आर हैविंग फोर वर्ड्स एंड नाउ

I am taking the help of Hindi grammar because English grammar is समे related to Hindi grammar and those students who are very good at Hindi grammar they will be able to understand easily. अगर आप हिंदी ग्रामर में अच्छे हो तो लिंक करके अगर आप पढ़ते हो तो आप ग्रामर पोर्शन को ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो काफी बार बट वोकेबलरी पोर्शन में ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं तो नॉट ऑलवेज बट समाइम्स सो इफ वी गो बाई द पार्ट्स पार्ट्स किसके पार्ट्स पार्ट सेंटेंस के देन वी हैव टू पार्ट देट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उद्देश्य आज का जो ये ओनली अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हम यहाँ डिटेल में नहीं करेंगे हम सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या होता है अबाउट विसिंग इज सेट मीन डू सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं डूअर भी कह सकते हैं कुछ लोग सब्जेक्ट को कहते हैं सब्जेक्ट होता है करता है, काम को करने वाला बट समाइम काम होता ही नहीं है सपोज आई से आई एम अ गर्ल मैं गर्ल हूँ तो यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ एक्शन तो हुआ ही नहीं है तो आई किसके बारे में बात की जा रही है आई के बारे में तो आई इज द सब्जेक्ट सब्जेक्ट उद्देश्य करता कह सकते हैं बट सब्जेक्ट अबाउट विच समथिंग इज सेट जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट लाइक रवि बॉट अ पेन रवि ने एक पेन खरीदा हम बात किसके बारे में कर रहे हैं रवि के बारे में काम किसने किया रवि ने बात किसकी हो रही है रवि की तो रवि इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है वॉट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सब प्रेडिकेट है मतलब रवि बॉट अ पेन तो रवि के बारे में हमने क्या कहा ही बॉट अ पेन भाई उसने एक पेन खरीदा तो ये इतना हिस्सा हमने रवि के बारे में कहा वो क्या बन गया प्रेडिकेट एक सेंटेंस के दो पार्ट वन इज द सब्जेक्ट अनदर वन इज द प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात कर रहे हो और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कह रहे हो वो क्या है प्रेडिकेट तो आपको बेसिक दोनों पार्ट्स याद होने चाहिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए प्रेडिकेट वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज प्रेडिकेट तो अभी प्रेडिकेट के बारे में बात आती है सब्जेक्ट को नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है नाउन पोर्शन में हमने किया था नाउन के केसेज में नॉमिनेटिव केस हमने पढ़ा था दैट इज द केस ऑफ सब्जेक्ट अभी प्रेडिकेट क्या होता है प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में कहा बहुत लंबा भी हो सकता है एंड बहुत छोटा भी हो सकता है यहाँ हमने देखा प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड्स अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखूं राम किम इज इस सेंटेंस येस ओब्वियसली दिस इज अन्टेंस दिस इज आ सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है राम के बारे में एंड वॉट डिड द पर्सन डू ही केम वो आया देन दिस इज प्रेडिकेट तो स्टूडेंट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं वो अभी प्रेडिकेट की बात अगर कही जा रही है तो प्रेडिकेट लंबा हो सकता है छोटा भी हो सकता है हम बात करते हैं कि प्रेडिकेट में जो है द वर्ब इज द मोस्ट असेंशियल पार्ट वर्ब जो है क्रिया जो है वो सबसे ज्यादा एसेंशियल है विदाउट वर्ब नो वर्ब नो प्रेडिकेट बिना वर्ब की के कैसे सेंटेंस बना सेंटेंस नहीं बनेगा प्रेडिकेट नहीं बन सकता सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट तो बना ही नहीं क्योंकि वर्ब नहीं है तो वर्ब जो है वो आपकी प्रेडिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ वर्ब क्या थी मेन वर्ब यहां वर्ब क्या है मेन वर्ब यहाँ क्या है लिंकिंग वर्ब अलग अलग टाइप की हो सकती है मेन वर्ब हो सकती है लिंकिंग वर्ब हो सकती है ये सब क्योंकि यहाँ एक्शन नहीं हुआ क्रिया नहीं हुई बल्कि आई और गर्ल एक ही है तो आई को गर्ल से जब लिंक किया गया किसने लिंक किया एम ने तो ये क्या बन गए लिंकिंग वर्ब अब स्टूडेंट्स बात आती है वर्ब्स की मैंने यहाँ का फाइनाइट वर्ब होना चाहिए फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हम यहीं देख लेते हैं तो फाइनाइट वर्ब होती है दैट इज अ चेंजिएबल वर्ब अब चेंजिएबल का मीनिंग क्या हुआ ये चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू टेंस जेंडर नंबर अगर हमारा नंबर सिंगुलर है नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है अगर जैसे मैंने आई के साथ एम लगाया अगर मैं शी लगाती तो क्या लगाती एम तो नहीं लगाती इज लगा देते ना वो बदल के अगर राम केम सिंपल पास्ट है हम जब टेंसेज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है दैट इज द पास्ट टेंस अगर मैं इसको प्रेजेंट में करती हूँ तो राम कम्स बन जाएगा चेंज हो गई ये वर्ब तो वो वर्ब्स जो टेंस के अकॉर्डिंग जेंडर के अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है दैट इज फाइनाइट वर्ब तो हमारे पास सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है जिस पर टेंस के रूल एप्लीकेबल होते हो वर्ब एक और टाइप की भी हो सकती है नॉन फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होती है सेंटेंस में होती तो है बट वो चेंज नहीं होती आप चाहे सेंटेंस के नंबर को चेंज कर दो जेंडर को टेंस को वो नहीं बदलती कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं दूँ तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई कई बार ये सेंटेंस में आती है बिना हेल्पिंग वर्ब के बिना हेल्पिंग वर्ब के आ जाए तो ये नॉन फाइनाइट तौर पर आती है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये नॉन फाइनाइट है और टू के बाद हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी कभी चेंज नहीं होती दैट इज नॉन फाइनाइट ये वो केसेज है जब वर्ब आती है हमारे सेंटेंस में लेकिन चेंज नहीं होती तो ऐसे वर्ब्स का होना ना होना ये मेन वर्ब्स नहीं हो सकते बट वो जो है मेन वर्ब है जैसे मैंने कहा ही स्टार्टेड टू लाफ भाई उसने हंसना शुरू कर दिया एक वर्ब ये अब मैं इसका चेंज करती हूँ लाफ तो ये, ये वर्ब जो है मेरे नहीं बदले नॉन चेंजेबल रह गई तो ये नॉन फाइनाइट है हमारे सेंटेंस में मेन कौन सी वर्ब होना जरूरी है फाइनाइट वर्ब चेंज हो गई वो फाइनाइट नहीं चेंज हुई वो नॉन फाइनाइट

तो फाइनाइट वर्ब हमारी पहली बात आपने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब देखा फाइनाइट वर्ब ही मेन वर्ब बन सकती है नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब नहीं बन सकती आपके सेंटेंस में क्योंकि बदलती नहीं है इस पर कोई ग्रामर का रूल अप्लाई नहीं हो रहा सेंटेंस के सेंस में तो फिर ये कैसे बदली तो आपका जो प्रेडिकेट पोर्शन है दैट मस्ट हैव अ वर्ब बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं होता रही वर्ब कैसी होनी चाहिए फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए आया समझ में तो हमने क्या पढ़ा सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग डेफिनेट मीनिंग टू पार्ट्स कौन से होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है सब्जेक्ट जो है वो कोई नाउन प्रोनाउन हो सकती है एक वर्ड हो सकता है एक से ज्यादा जैसे मोनिटर ऑफ माई क्लास कौन भाई मोनिटर ऑफ माई क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट द मोनिटर ऑफ माई क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट तो किसके बारे में बात हो रही है द मोनिटर ऑफ माई क्लास मोर देन वन वर्ड हो होगा ये भी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट जो होता है वो भी आपका एक वर्ड हो सकता है एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते है मोस्ट असेंशियल पार्ट क्या होता है उसमें वर्ब का होना वर्ब कौन सी होना फाइनाइट वर्ब जो चेंजेबल होते हैं जिस पर ग्रामर के अकॉर्डिंग रूल एप्लीकेबल होते हैं अभी हम देखते हैं एक शॉर्ट इंट्रो थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंस की टाइप्स होते हैं तीन तरह के बेसिक सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो तीन होते हैं सिंपल है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स है सिंपल सेंटेंस का मीनिंग क्या है उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है इससे ज्यादा नहीं ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब दैट इज ए सिंपल सेंटेंस राम वेंट टू मार्केट कौन गया भाई राम ये आपका सिंगल सब्जेक्ट और राम ने क्या किया ही वेंट कहाँ गया क्यों गया कैसे गया दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब वेंट है चेंज हो सकती है गोइंग हो सकता है गो हो सकता है गोज हो सकता है तो फाइनाइट वर्ब बन गए और ये वन सब्जेक्ट जो सेंटेंस आपका सिंपल होता है उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है और एक ही सब्जेक्ट होता है नेक्स्ट पार्ट जो होता है कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट सॉरी और एक या एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब एक सब्जेक्ट है तो दो फाइनाइट वर्ब हो गई दो सब्जेक्ट है तो एक फाइनाइट वर्ब हो गई या फिर दो सब्जेक्ट दो verbs. ठीक है? यानी कोई ना कोई चीज एक से ज्यादा होगी अगर दोनों एक एक है तो वो कौन सा बन गया सिंपल सेंटेंस तो राम वेंट टू मार्केट एंड बोट बुक्स राम ने क्या क्या किया वेंट टू मार्केट एक वर्ब क्या हुई? वेंट और क्या किया बोट टू एक्शंस हुए यानी दो वर्ब्स हो गई करने वाला कौन है राम ये क्या बन गया ठीक है है एक और चीज वो मैं आपको complex sentence के इंट्रो के बाद बताती हूं. Complex sentence में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है या तो एक verb, एक सब्जेक्ट दो वर्ब या दो सब्जेक्ट एक वर्ब या फिर दो सब्जेक्ट दो वर्ब यानी मोर देन वन होगा सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ किया था यहाँ हमने क्या देखा है एक सब्जेक्ट दो वर्ब है उलट के भी कह सकती हूँ राम एंड मोहन किम कितने जने आए राम सॉरी एंड मोहन दो हो गए और एक्शन कितना हुआ एक ठीक है तो ये आपका सब वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की तो कॉम्प्लेक्स में भी सेम ऐसा ही चलता है राम हु केम यस्टरडे इज माई फ्रेंड किसकी बात हो रही है राम दो एक्शन कौन से कौन से एक तो राम है मेरा दोस्त लिंकिंग हो गया और दूसरा मेन वर्ब हो गई यानी वन सब्जेक्ट टू वर्ब्स उल्टा भी हो सकता था ओबियसली हो सकता है कोई दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो इसमें क्या फर्क हुआ सिंपल का तो हमने कॉन्सेप्ट अलग ही कर लिया दैट सिंपल इज द सिंपल सेंटेंस वन सब्जेक्ट टू फाइनाइट सॉरी वन फाइनाइट वर्ब बट कंपाउंड इन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है एक सब्जेक्ट दो वर्ब्स दो सब्जेक्ट एक वर्ब या फिर दो सब्जेक्ट्स दो वर्ब्स हो सकते हैं बट द थिंग हियर इज दैट टाइप ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेंटेंसेस क्लोज कहते हैं आगे हम क्लोज के बारे में भी पढ़ेंगे तो यहाँ जो दो सेंटेंसेज बन गए ऑब्वियसली जब आपके पास एक से ज़्यादा वर्ब्स होगी तो वो दो सेंटेंसेज में कन्वर्ट होंगे वो कैसे क्लोज होते हैं कोऑर्डिनेटिंग इंडिपेंडेंट होते हैं अगर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो अपना अपना तो को अलग अलग कर देती हूं तो क्या होता है दोनों अपना मीनिंग देंगे राम वेंट टू मार्केट राम बोट बुक्स कोई डिफरेंस नहीं हुआ दोनों कोऑर्डिनेटिंग यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है आपस में एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं लेकिन यहां क्या हुआ मेरे पास यहाँ भी दो क्लोजेज हैं उपवाक्य जिसको हम कहते हैं एक वाक्य जब एक से ज़्यादा सेंटेंसेस से मिल के बना हो वन सेंटेंस इज मेड ऑफ मोर देन वन सेंटेंस तो इसमें अलग अलग जो सेंटेंसेज होते हैं उसको हम उपवाक्य यानी क्लोज कहते हैं तो इसके अंदर भी दो सेंटेंस थे राम वेंट टू मार्केट राम बोट बुक्स इसके अंदर भी राम इज माई फ्रेंड हु केम यस्टरडे यहाँ क्या होता है जब आपने इसे अलग कर दिया राम इज माई फ्रेंड ये तो अपना इंडिपेंडेंट है इसको आइडेंटिटी uh, की जरूरत नहीं है लेकिन अभी हु केम यस्टरडे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जुड़ा जो मैंने बताया था आपको प्रोनाउन सेक्शन में रिलेटिव प्रोनाउन में जो कल आया तो कौन कल आया भाई मैं इसको अलग कर दू तो इसकी आइडेंटिटी नहीं बनती ये अपने आइडेंटिटी के लिए किस पे डिपेंड है राम इज माई फ्रेंड कौन आया कल राम तो ये क्या हो गया डिपेंडेंट हो गया और ये डिपेंडेंट नहीं है तो ये मेन क्लोज हो गया ये मेन ये डिपेंडेंट लेकिन कंपाउंड में क्या होता है ऐसा नहीं होता कंपाउंड में दोनों को आप अलग कर देते हो तो दोनों फ्री होते हैं इन शॉर्ट हमने सिंपल में क्या सीखा एक ही क्लोज होता है यानी वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब कंपाउंड में वन सब्जेक्ट टू फाइनाइट वर्ब टू सब्जेक्ट वन वर्ब और कॉम्प्लेक्स में भी यही हुआ वन अपॉन टू नहीं है ये वन और टू है यहाँ जो होता है दोनों क्लोज आपके कोऑर्डिनेटिंग होते हैं यहाँ एक मेन होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है हिंदी में स्टूडेंट्स आपने पढ़े होंगे अगेन मैं हिंदी को मेंशन कर रही हूँ सिंपल मतलब जो साधारण वाक्य है कंपाउंड यानी जो संयुक्त वाक्य है और कॉम्प्लेक्स यानी कि जो मिश्रित वाक्य है नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्लोज आया था अभी क्लोज क्या होता है क्लोज होता है उपवाक्य क्लोज यानी उपवाक्य सॉरी आपको दिखा नहीं क्लोज क्लोज यानी उपवाक्य तो अभी ये क्लोज क्या होता है अभी मैंने प्रीवियसली मैंशन किया अगेन बता रही हूँ मैंने सेंटेंस इज मेड ऑफ टू और मोर सेंटेंसेज ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्लोज सिंपल सी बात है स्टूडेंट साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस तो हमारा एक ही सेंटेंस से होता है लेकिन कई बार कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो दो सेंटेंसेस जुड़ के बनते हैं राम वेंट टू मार्केट एंड वॉट सम बुक्स तो यहाँ दो सेंटेंसेज है या नहीं है राम वेंट टू मार्केट बोट सम बुक्स तो जब इन दोनों सेंटेंसेज को हमने जोड़ दिया किससे जोड़ा एंड से तो एक सेंटेंस दो सेंटेंस से मिलके बना तो हम ये नहीं कहते इस सेंटेंस में दो सेंटेंस है हम क्या कहते हैं उसे के अंदर उसे उपवाक्य अब वो दोनों सेंटेंसेज अलग अलग वाक्य नहीं बचे बल्कि वो क्या बन गए उपवाक्य यानी क्लोज तो क्लोज है क्या एक्चुअली तो अगर सेपरेट कर दोगे तो सेंटेंस बन जाएंगे साथ रख दिया तो क्लोज रह गए तो क्लोज है क्या एक तरह से इसमें सारी क्वालिटीज हो गई सेंटेंस की उसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट यानी एक वर्ब भी होगी ठीक है नाउन एडजेक्टिव एड वर्ब किसी भी टाइप का हो सकता है कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग मेन क्लोज पीछे हमने डिस्कस किया था तो जैसे राम इज माई फ्रेंड एंड ही वर्क्स इन दिल्ली तो दो क्लोजेस कौन से है क्लोज वन क्लोज टू तो यहाँ क्या है एक ये हो गया एक ये हो गया ये किस टाइप के कोऑर्डिनेटिंग क्लोज कोऑर्डिनेटिंग क्यों कहा हमने क्योंकि अगर मैं इनको अलग कर देती हूँ तो दोनों में अपना मीनिंग क्लियर रखते हैं राम इज माय फ्रेंड ही वर्क्स इन दिल्ली कोई किसी पर डिपेंड नहीं है तो कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वयकारी जिसको कहते हो समन्वयकारी जो आपस में समन्वय रखे एडजस्टमेंट रखते दूसरा क्या राम हु वर्क्स इन दिल्ली इज माय फ्रेंड एक क्लोज कौन सा है ये रहा राम इज माय फ्रेंड ठीक है राम इज माय फ्रेंड और दूसरा क्या है हु वर्क्स इन दिल्ली कौन काम करता है अभी दिल्ली में राम तो इसको अपनी आइडेंटिटी कहाँ से लेनी पड़े यहाँ से तो ये कौन सा हुआ मेन और ये कौन सा हुआ डिपेंडेंट ठीक है ये मेन और ये डिपेंडेंट राम इज माई फ्रेंड और हु वर्क्स इन दिल्ली ठीक है तो ये आपके मेन क्लोज ये सबोर्डिनेट क्लोज ये कोऑर्डिनेटिंग क्लोज ऊपर मैंने एक और लिखा था नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लोज भी होते हैं हम इसको डिटेल में फिर से डिस्कशन करेंगे या शॉर्ट में बताती हूँ राम कौन हु ये हमारी नाउन है और नाउन के बारे में कुछ भी बताने वाला क्या होता है एडजेक्टिव राम जो कि दिल्ली में काम करता है किसी भी राम की बात नहीं हो रही राम एक स्पेशल राम की बात हो रही है क्वालिटी बता दी हमें तो ये डिपेंडेंट तो है डिपेंडेंट क्लोज के ही टाइप बनते हैं नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और ये कौन सा टाइप है आपका एडजेक्टिव क्लोज तो इन शॉर्ट क्लोज के बारे में आपने क्या पढ़ा है क्लोज ये होता है जब एक सेंटेंस आपका मोर देन वन सेंटेंस से मिलके बना होता है तो हर एक सेंटेंस को आप सेंटेंस उस मेन सेंटेंस के रेफरेंस में सेंटेंस ना कहकर क्लोज कहते हो सिंपल बात जब आपका एक वाक्य कई वाक्यों से मिलके बना हो तो उस वाक्य के अंदर हम सबको एक एक क्लोज का नाम दे देते हैं तो क्योंकि वो एक्चुअली सेंटेंस ही होता है तो इसलिए उसमें सेंटेंस की सारी क्वालिटीज होती है उसमें सब्जेक्ट होता है उसमें प्रेडिकेट होता है वो कोऑर्डिनेटिंग हो सकते हैं अलग अलग कर दिया तो अपना सेपरेट मीनिंग है और मेन और सबोर्डिनेट हो सकते हैं मेन सबोर्डिनेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक मेन होगा दूसरे को अपने मीनिंग के लिए उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा अब जो सबोर्डिनेट होते हैं उसके टाइप कौन कौन से होते हैं अगर वो नाउन का काम कर का रहा है तो नाउन क्लोज एडजेक्टिव का काम कर का का रहा है तो एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब का काम कर का का रहा है तो एडवर्ब क्लोज आया समझ स्टूडेंट्स क्यों ये जो क्लोज का टॉपिक है हम एक डिटेल में लेंगे क्योंकि क्लोज ही आगे आपको कही कहीं ना कहीं सिंथेसिस के अंदर कंजेक्शन के अंदर काफ़ी हेल्प करते हैं तो वहाँ हम इस टॉपिक को फिर से डिटेल में लेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज फ्रिज क्योंकि जनरल चीजें हैं जो अक्सर पूछी जाती है और हमारे माइंड में इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता फ्रिज क्या है भाई फ्रिज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग ये भी शब्दों का एक समूह है सेंटेंस का पार्ट होता है जैसे क्लोज था लेकिन इसका स्पेसिफिक मीनिंग अगर इसको अलग कर दो तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है गिवस इट्स मीनिंग इन सेंटेंस अगर सेंटेंस के अंदर है तो इसका मीनिंग है लेकिन सेंटेंस से अलग हटा दो तो इसका कोई मीनिंग नहीं है और क्यों क्योंकि इसमें सेंटेंस की क्वालिटी नहीं होती इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता इसका कोई प्रेडिकेट नहीं होता ये सिर्फ एक शब्दों का समूह है इसके अंदर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी सब्जेक्ट नहीं होगा और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगी फाइनाइट वर्ब का मतलब चेंजेबल वर्ब नहीं होगी मे हैव नॉन फाइनाइट वर्ब कई बार नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है कौन सी नॉन फाइनाइट यानी वी वन आई एन जी विदाउट हेल्पिंग वर्ब ठीक है या फिर थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर ऐसी आ सकती है और नहीं भी आ सकती लेकिन फाइनाइट कभी नहीं होगी फिर फ्रिजेस के भी टाइप्स होते हैं नाउन फ्रिज अगर वो नाउन का रोल प्ले करते हैं। देखो जिसका रोल प्ले करेगी वही बन जाएगी एडजेक्टिव फ्रिज एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण जो वर्ब की क्वालिटी बताए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई देखो ये होती है फ्रिज इन द स्काई क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नहीं है है ना लेकिन कोई मीनिंग है मैंने इसको उठा के अलग कर दिया इन द स्काई आसमान में क्या भाई आसमान में कोई सेपरेट मीनिंग इसका बना नहीं है लेकिन सेंटेंस के अंदर तो अपना मीनिंग दे रही है तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाता है फ्रिज इसका सब्जेक्ट नहीं आसमान में क्या कौन कैसे कब हाँ नहीं पता कोई सब्जेक्ट नहीं है और कोई एक्शन नहीं है यानी कोई वर्ब नहीं है वर्ब होती तो हम सोचते हैं फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है तो एक ऐसा पार्ट जिसका सेंटेंस के अंदर तो मीनिंग होता है अलग हटा दिया तो कोई मीनिंग नहीं है इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें कोई वर्ब नहीं होती ये क्या कहलाती है फ्रिज जैसे दे के वो आए इन द मॉर्निंग कब आए सुबह इन द मॉर्निंग को भी हटा दो कुछ नहीं मिला कोई सब्जेक्ट नहीं है कोई वर्ब नहीं है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कई सारे वर्ड्स मिल गए फ्रिज कहलाए माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड मेड ऑफ गोल्ड सोने से बनी अब आप कहोगे वर्ब है लेकिन बच्चों वही बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म है दैट टू विदाउट हेल्पिंग वर्ब यहाँ तो नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे फ्रिज सोने से बनी क्या हमें नहीं पता सेंटेंस से अलग किया तो कोई मीनिंग नहीं दैट इज अ फ्रिज तो फ्रिज क्या होती है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको अगर आप सेंटेंस में रखते हो तो वो सेंटेंस में एक रोल प्ले कर लेते है, अलग कर दिया तो कुछ नहीं होता कोई सब्जेक्ट नहीं होता इसमें और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती अब टाइप देखो मैंने कहा नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जो रोल प्ले करेगी देखो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई पक्षी उड़ते हैं कहाँ उड़ते हैं आसमान में बर्ड्स हैं आसमान में उड़ना आसमान में है उड़ना तो फ्लाई क्या है वर्ब वर्ब के बारे में जो भी एक्स्ट्रा बताए वो क्या है एडवर्ब ठीक है केम वो आए कब आए इन द मॉर्निंग आने के बारे में बताया उनका नहीं बताया आने क्या बताया कि आना कब हुआ मॉर्निंग में तो आने का मतलब वर्ब वर्ब की क्वालिटी बताने वाले एडवर्ब सेम वे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड मेड ऑफ गोल्ड सोने से बने क्या है रिंग तो रिंग क्या है भाई नाउन जो नाउन की क्वालिटी बताए वो क्या कहलाता है एडजेक्टिव ठीक है और जैसे द टीचर ऑफ माई स्कूल आर गुड ठीक है द टीचर ऑफ माई स्कूल गुड गुड टीचर्स ऑफ स्कूल मैंने कहा द टीचर्स ऑफ माई स्कूल ये भी मेरे स्कूल के टीचर्स क्या सेपरेट मीनिंग नहीं दे रहा फ्रेज है ये और ये कौन सी फ्रेज है कौन अच्छे हैं द टीचर्स ऑफ माई स्कूल इंसान के बारे में किसी वस्तु व्यक्ति स्थान नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग के बारे में बताने वाला कौन होता है नाउन का आंसर देने वाली नाउन और ये नाउन कैसी है ये बताने वाली एडजेक्टिव और वर्ब कैसी है ये बताने वाले एडवर्ब तो फ्रिज जिस भी जगह आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप हो जाता है तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस फ्रिज एंड क्लोज सेंटेंस क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक डेफिनेट uh, मीनिंग होता है दो पार्ट्स हुए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो होता है वन वर्ड हो सकता है उसे भी ज़्यादा हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्रेडिकेट क्या है जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है एंड मोस्ट असेंशियल पार्ट होता है उसके वर्ब वर्ब दो टाइप की होती है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट फाइनाइट जिस पर ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं नॉन फाइनाइट जो कभी चेंज नहीं होती है सेंटेंस की रेफरेंस में देन हम बात करते हैं क्लोज की जब आपका एक सेंटेंस कई तरह से के सेंटेंसेस से मिलके बनता है जैसे सिंपल में एक ही होता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा होते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि भाई एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सेंटेंस है बल्कि हम क्या कहते हैं इसमें एक से ज़्यादा क्लोजेज है ठीक है तो क्लोजेज में यानी एक तरह से सेंटेंस ही हुआ सारी क्वालिटी सेंटेंस की हुई बेसिक टाइप कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लोज या फिर मेन और सब अब सबॉर्डिनेट क्लोज जो होते हैं उसके आगे के टाइप बन जाते हैं नाउन क्लोज अगर जो नाउन का रोल प्ले करेगा एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव का एडवर्ब जो है वो एडवर्ब का रोल प्ले करेगा अब फ्रेज की बात करें तो फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका कोई डेफिनेट मीनिंग अलग से नहीं होता सेंटेंस के रेफरेंस में देती है शब्दों का समूह है तो देगी लेकिन अलग कर दो उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है उसका कोई सिर पैर नहीं होता उसमें सब्जेक्ट नहीं होते उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होते मोस्टली वर्ब्स होती नहीं है होगी तो भी कैसी होगी नॉन फाइनाइट नॉन फाइनाइट अगेन मैं कह रही हूँ किस तरह की वर्ब्स होती है V1, ING, अगर हेल्पिंग वर्ब के बिना आ वी थ्री हो जाती है हेल्पिंग वर्ब के बिना टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाती है इस तरह से ठीक है और टाइप्स की बात की जाए तो नाउन फ्रेज बन जाती है एडजेक्टिव फ्रेज बन जाती है एडवर्ब फ्रेज बन जाती है ठीक है तो ये हमने इतना बेसिक इंट्रो किया इसके बाद एक हम एक वीडियो सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं और क्लोजेस के ऊपर हम एक डिटेल में करेंगे and I hope you have understood everything still you if you haven't understood then comment me in the comment section and keep learning thank you